दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहेदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोग ने तो थंबनेल और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। व्हाट्सएप चैनल को आप कैसे हटा सकते हो? अगर दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को आप हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, लाइक कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहां पर व्हाट्सएप को ओपन किया हूं और यहां पर जो अपडेट दिख रहा है, इस अपडेट पर क्लिक कर रहा हूं ना, तो यहां पर आपको चैनल नहीं दिख रहा, सिर्फ यहां पर स्टेटस दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने चैनल को हटा दिया, चैनल को मैंने डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया। अगर आप भी व्हाट्सएप चैनल को आप डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। 101% इसका सॉल्यूशन, 101% इसका खुफिया मेथड बताऊंगा, जो चुटकियों में आप व्हाट्सएप चैनल को हटा सकते हो। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेना होगा। जैसे व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो जैसे कि आप व्हाट्सएप अपडेट्स के अंदर आप जाते हो ना, तो जब भी आप स्टेटस लगाने जाते हो ना, तो स्टेटस के नीचे में आपको चैनल मिलेगा। और बहुत सारे लोग इससे जो ना काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा है, वो नहीं चाहते कि चैनल को मेरे व्हाट्सएप के अंदर रहे, उसे वो चाहते कि रिमूव करना चाहते। आप भी चाहते होंगे कि व्हाट्सएप चैनल को मैं हटाना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं कैसे हटा सकता हूं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों ये जो चैनल का जो आप काम देख रहे हैं, यहां पे चैनल लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते कि व्हाट्सएप चैनल है क्या, इसे आप कैसे यूज कर सकते, व्हाट्सएप चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते, इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। अब भी यहां पर बात करेंगे कि व्हाट्सएप चैनल को कैसे हटाए, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ये जो चैट है ना, चैट सेटिंग के अंदर जाओगे, जाने के बाद नीचे जाओगे, यहां पे आपको चैट बैकअप होगा, चैट बैकअप आपको कर लेना होगा। जैसे चैट बैकअप करने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे, यहां पे गूगल अकाउंट होगा, तो गूगल अकाउंट पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप अपना खुद का ईमेल आईडी यहां पे होना चाहिए, तो आप अपना खुद का ईमेल आईडी को अटैच कर लीजिएगा। अटैच करने के बाद दोस्तों यहां पे ऊपर में आपको दिखेगा बैकअप नाम करके, तो आप इसे बैकअप कर लेना होगा। जितनी भी आपको जो ना 1 GB का हो, या 2 GB का, या 3 GB का, या 500 MB का, या 100 MB का होगा ना, आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपडेट, यानी कि बैकअप पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जैसे पूरी तरह से ये अपडेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से बैकअप कंप्लीट हो जाता है ना, तो व्हाट्सएप को बैकग्राउंड से हटा देना होगा। जैसे कि मैं यहां पे हटा दिया बैकग्राउंड से। आपको क्लोज करने के बाद व्हाट्सएप को एक बार होल्ड करना, होल्ड करने के बाद आपको आई बटन के अंदर जाना है। किसी फोन के अंदर ऐप इन्फो होगा, तो जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको व्हाट्सएप सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आपको जो देख रहे हैं ना, अनइंस्टॉल आपको बटन मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर लीजिएगा। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन को व्हाट्सएप को डिलीट करोगे ना, तो आपको ओल्ड यानी कि ओल्ड एपीके व्हाट्सएप में आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि आपको व्हाट्सएप का एपीके ओल्ड वर्जन में आपको जैसे ही ओल्ड एपीके आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो इंस्टॉल करने के बाद नंबर से वेरीफाई करोगे, पूरा का पूरा चैट आपने बैकअप किया, वो आपको ईमेल सेट करके आप चैट को बैकअप रीस्टोर वगैरह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक और जरूरी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो व्हाट्सएप का ओल्ड एपीके आपने डाउनलोड करोगे ना, तो सिर्फ 2 महीने के तक ही आप यूज कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी व्हाट्सएप नया अपडेट लाता है ना, तो जो पुराना वाला ओल्ड वर्जन होता है ना एपीके, वो ब्लॉक कर देता है, यानी कि उसे डिजेबल कर देता है। 2 महीने तक वो जो ना आप यूज कर सकते हो ओल्ड वर्जन, नहीं तो आप 2 महीने के बाद जो ना कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, डाउनलोड बटन आ जाएगा, आपको बोलेगा लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करने के लिए, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ओल्ड एपीके यूज करना चाहते तो सिर्फ 2 महीने के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये व्हाट्सएप जो चैनल है ना बिल्कुल कमाल का, इससे फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आने वाला समय में जो ना चैनल पे आप चैनल क्रिएट वगैरह करके जो है ना आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अर्निंग वगैरह भी कर सकते हो। तो आपको चिल रहना, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, स्टेटस लगा सकते हो, चैनल को फॉलो करना चाहते हो या चैनल बनाना चाहते हो, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दे, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आई बटन पे जाकर के आप जरूर देख सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल बता दिया कि व्हाट्सएप चैनल है क्या, इसे आप कैसे यूज कर सकते, कैसे आप फॉलो कर सकते, अनफॉलो कैसे कर सकते, सारा डिटेल बता दे। लेकिन इस वीडियो के अंदर बता दिया कि कैसे व्हाट्सएप चैनल को आप हटा सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर बता दिया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।